सो गाइस रोशन जा रहा चले जा हमारे नजरों के अंदर, घर जा रहा भाई, तो वहां रहे हम यहाँ रहेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस मैं और मम्मा जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, वेडिंग शॉपिंग, और मेरे को कुर्ता लेना है अच्छे वाले, और मम्मा को भी कुछ पसंद आया, मम्मा को भी दिलवाएंगे। तो और भी काम बहुत है गाइस। आज काम क्या है, पहला काम ये है, मम्मा और मुझे क्या काम है बता दो मम्मा, अपना काम। मेरा काम तो टेलर के पास जाना है, इधर टेलर अच्छा नहीं मिला तो मुझे 46 जाना है। तो गाइस मम्मा को जाना है जहाँ पहले रहते थे, वहाँ के वाले मार्केट जाना। तो गाइस हम आ गए शॉप स्टॉप, और ये देखो, और हमारी पार्किंग हुई है यहाँ पे वेले में 100 रुपए के 4 घंटे। तो गाइस आज शॉपिंग कर रहा हूँ मैं, शादी की शॉपिंग, और किसकी शादी वो थोड़ा सस्पेंस आप लोगों के लिए। मामा का बस चले तो ये बैठ जाएंगे। तो गाइस ये है, ये मुझे पसंद आया, अच्छा लग रहा है, फाइनल कर लिया। ये कुर्ती और ये मैंने हुडी तो काट कसको काट तपाई को मेरो काट बडा पैसा खर्च रे लाग्न दिनु यसलाई त चल राख र चलो गाइस इसकी बिलिंग करा के मिलता। तो गाइस हम लोगों ने कर लिया शॉपिंग, और अब अपनी गाड़ी लेंगे तो निकलेंगे घर के लिए। और ये बिल्कुल आ जाओ, मैं चलो यहाँ से चलते ना। सच में बता रहा हूँ शॉपिंग करना इतना आसान नहीं है। हम 2 घंटे से शॉपिंग कर रहे हैं तब जाके हमें कुछ पसंद आ गया, वरना तो हमेशा 2 घंटे भी लगाते हैं और ऊपर से पसंद भी नहीं आता फिर घर लौट के जाते हैं। तो गाइज अभी निकल रहे हैं हम, अभी घर के कुछ सामान क्या लेना है मैम, हमें घर के वो जाना है सेक्टर 9 जाना है। वो ना मेरे को ना मुझे यहाँ अच्छा अच्छा लगा लेकिन महंगा था, 800 रुपए, तो मैं नहीं कर सकता 800। चलो गाइस अब आप लोगों को मिलेंगे सीधा घर पे। सारा मन परे तेरा कुर्ता ला ला उनचा, पसंद भी है पैसे भी नहीं देना, अच्छी चीजें थोड़ी महंगी होती है। बहुत सही है, यहाँ पे आप आके कुर्ता उर्ता ले सकते हो, और अभी ऑफ भी चल रहे हैं, 50% ऑफ चल रहा है, किसी में 30% ऑफ चल रहे है। तो गाइस फिर आए हुए हम इधर, बहुत सारे काम रहते हैं सच बता रहा हूँ, यहाँ पे कम से 5-6 बार राउंड कर रखा हमने, अभी सामान लोड करवाएंगे अंदर फिर उसके निकलेंगे घर के लिए। तो हमारा सारा सामान यहीं से जा रहा है गाइस, ये देखो इस, ये देखो ये भी सामान लेने आए थे इसी वजह से आए थे हम यहाँ पे, तो ये भी ले लिया हमने। ओ भाई बस देखो गाइस, एक अच्छा है कि अपने थार में ना सामान आ जाता है, देखो पीछे सामान आ गया ना, मतलब काफ़ी लोड, काफ़ी सामान हम यहाँ से लोड करके गए थार में, और अभी जब घर शिफ्ट करेंगे आप देखना कितने सामान आएंगे इसमें, सारे गमले इसी में आने देखना। तो यहीं से ले रहे हैं, हमारा जो मॉडर्न लिविंग है, हमारी जान पहचान इनसे, तो सारे सामान सही भी मिल रहे हैं, नॉलेज भी मिल रहा है, और बाकी आप लोगों को एड्रेस वेड्रेस सब बता भी रखा है, तो आप लोग भी ले सकते। मैं इतना सेक्सी बन के घूम रहा था और मेरी बीवी ने बस एक वर्ड बोला, सॉक्स पहना दो। कितनी बुरी हो रहा था तू तेरे चाय नहीं सर ना, मेरे को तो पसंद है सब, बीवी का ख्याल रखना, बीवी का ध्यान रखना, दिस इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी, समझ रहे हो ना आप लोग, समझ रहे हो। थैंक यू, वड़ा कहो मैडम, वड़ा कहो। मैं तो सेक्सी बन के घूम रहा था और उसकी को समझा रहा था कि मेरे लुक कितना सेक्सी है, देख रहा। घर गृहस्थी का टिप्स दे दे कैसे। घर गृहस्थी का टिप्स नंबर 1 है, घर में बीवी, माँ और बहन, इन तीनों से कभी पंगा नहीं लेना, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, जितना गुस्सा है वो अपने भाई पे निकालना। आपको माँ बहन और बीवी पे नहीं निकालना। रूल नंबर थ्री ये है, अगर तुम्हें लगे कि फिर भी तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हो रहा है तो बाहर जाके निकालना, घर में बिल्कुल मत निकालना इन लोगों सामने, इन लोगों सिर्फ प्यार मोहब्बत देना ताकि ये तुम्हें ब्रिटेन में प्यार मोहब्बत दे। अगर तुमने इन पे गुस्सा कर दिया तो तुम गए बेटे, समझ रहे हो ना, इसलिए गुस्सा भाई पे निकालना सबसे ज्यादा। और भाई ना हो तो, भाई नहीं हो तो बाहर निकालना लेकिन घर पे नहीं। क्या करा भाई लोग और भी बहुत है, भाई भाई बाप रे बाप, देखो ना गाइस कितना घी है, एक बार डाल के तो दिखा दो हम, कितना डालो, जितना डालना, ओ कितना डालो, ऐसे रे ऐसे डाल दो, बस डाल दो, पूरा फैला दो पूरा। यार मम्मा ये तो मेरा पोपट बना दिया आपने। चलो गाइस अब इसे खा के मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, चले जा हमारे नजरों के अंदर, तो वहां हम यहाँ रहेंगे। ना 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 ना
भाभी बना रही सैंडविच, ये क्या रहा था इसमें? चीज चिकन। भाभी के हाथ का सैंडविच खाने को मिल रहा है, तो बहुत क्रेविंग हो रही थी, बहुत भूख लग रहा था, टाइम ही नहीं था इतना कि कुछ खाए बाहर। तो आपको दिखाई देता हूँ वापस एक और बार, ये देखो सैंडविच। बाबा कुछ भाभी आपको सैंडविच बनाना पसंद है क्या? बहुत मेरे को सब कुछ बनाना पसंद है, बट मैंने देखा कि आप इसमें बड़ा इंटरेस्ट लेते हो। माय गॉड, अब इसे गर्म करोगे क्या? देखो गाइस, और भी बहुत सारे बना रहे हैं, मतलब सही है। भूख इतनी ज्यादा भूख लग रही थी, मन कर रहा था कुछ खा लूं, बट वो ये कि ना यहाँ आना भी था 5 बजे से अंदर अंदर। भाई से रहा नहीं जा रहा, केचप लिया, केचप लिया पटाक से, केचप है भाई, ले जी ले तू आज अपनी जिंदगी। बढ़िया राशि, सच में बहुत टेस्टी है कदम से। तो गाइस से खाते हैं एंड देन आप लोगों को मिलते हैं। दिल्ली की सर्दी और चाय, मम्मी छह से बात कर रही है। तो गाइस नेपाली गाना सुन रहे हैं मम्मा। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ सोने, बहुत नींद आ रही है और बाकी सब जगे हुए, मैं ही जा रहा हूँ सोने बिकॉज मुझे बहुत नींद आ रही है यार, नींद से नो कॉम्प्रोमाइज। एंड उसके अलावा गाइस सर्दी एकदम से बढ़ गई है, मतलब अभी बीच में कुछ था ही नहीं, 3-4 दिन में इतनी ठंड बढ़ गई है। जो दिल्ली NCR में रह रहे वो फील कर रहे होंगे कि एक तो कहते हैं दिल्ली की सर्दी एक अलग ही लेवल की सर्दी होती है। एंड उसके अलावा गाइस अपना ध्यान रखो, क्योंकि मेरे को तो जुकाम लग चुका है, अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो। एंड थैंक यू सो मच गाइस, आप इतना प्यार करते हो, सपोर्ट करते हो, ऐसे ही प्यार करते रहो, सपोर्ट करते रहो। एंड आज का व्लॉग तो बहुत ज़्यादा छोटा है गाइस, बहुत ज़्यादा छोटा है, बिकॉज ना मैं सोच तो रहा था और करूँगा बाहर जाके शूट, बट मेरी हिम्मत नहीं हुई यार, ठंड इतनी है, मतलब कार में भी जाने के लिए मुझे आलस आ रहा है, सोच लो कितनी ज़्यादा ठंड है। एंड इतना ही गाइस, आज के वीडियो को व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडेस वीडियो, आई होप सो आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं जाके जरूर बेल आइकन दबाएं। टाटा बाय बाय, सी इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस, लव यू एंड गुड नाइट।